हे गाइस, कैसे हो आप सब? होप यू आर डूइंग वेल. गाइस, आई एम लिटिल अनवेल ड्यू टू हेक्टिक स्केड्यूल, बट वाइल मेकिंग दिस वीडियो आई एम फीलिंग बेटर. सो टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू ट्रांसलेट, वी आर गोइंग टू प्रैक्टिस फ्यू सेंटेंसेस जो आप लोग मुझसे कॉमेंट सेक्शन में पूछते रहते हो. तो आई हैव स्टार्टेड टू कलेक्ट दोज सेंटेंसेस. सो येस, आज इस वीडियो में हम वही सेंटेंसेस प्रैक्टिस करने वाले हैं. आपको वीडियो को एंड तक देखना है और अपना फेवरेट सेंटेंस कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर जरूर बताना है, मुझे बहुत अच्छा लगेगा. तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स डायरेक्टली मूव इनटू द वीडियो. सो द वेरी फर्स्ट सेंटेंस इज, जो कि बहुत ईजी और बहुत ज्यादा बोला जाता है, भाड़ में जाओ. क्या बोलते हैं इसे हम? गो टू हेल. गो टू हेल, ऑब्वियसली हेल इज नॉट अ गुड प्लेस, लेकिन हम ऐसे बोलते थे ना, गो टू हेल. लेकिन अगर आपको बोलना हो कि भाड़ में गई तुम्हारी हंसी, भाड़ में गई वो खटारा कर, भाड़ में गया वो प्लान, कैसे बोलेंगे इसे इंग्लिश में? बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं हम ये सेंटेंस हिंदी में, लेकिन हम इसको इंग्लिश में कम ही यूज़ करते हैं. तो अगर आपको इंग्लिश में बोलना, तो आप ऐसे बोलोगे, भाड़ में गई तुम्हारी हंसी, टू हेल विद योर लाफिंग, टू हेल विद योर लाफिंग. भाड़ में गई वो खटारा कार, टू हेल विद दैट क्रॉक कार, टू हेल विद दैट क्रॉक कार. खटारा के लिए मैंने क्रॉक वर्ड यूज़ किया है. अगर आपको बोलना हो कि भाड़ में गई पढ़ाई, तो क्या बोलोगे? टू हेल विद स्टडिंग, टू हेल विद स्टडिंग. भाड़ में गया वो प्लान, टू हेल विद दैट प्लान, टू हेल विद दैट प्लान. तो गाइस, आपने देखा मैंने टू हेल विद के साथ कभी नाउन का यूज़ किया लाइक कार, प्लान, और कभी वर्ब का यूज़ किया है लाइक लाफिंग, स्टडिंग. तो इससे हमें यह पता लगा कि टू हेल विद के साथ आप नाउन और वर्ब दोनों का इस्तेमाल कर सकते हो. तो आई होप आपको ये स्ट्रक्चर अच्छा लगा होगा, ये सेंटेंसेस भी काफ़ी अच्छे लगे होंगे. तो आपको कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर प्रैक्टिस करनी है, मुझे बहुत अच्छा लगेगा. ठीक है, ज़रूर करना है मेरे लिए. अब नेक्स्ट सेंटेंस जो मैंने पिक किया है वो ये है कि कपड़ों पर टाका लगाना. तो जो टाका लगाते हो उसके लिए हम स्टिच ही बोलते हैं. तो स्टिच द क्लोथ, टाका लगा दो, स्टिच द क्लोथ. लेकिन अगर आपको ऐसे ही बोलना हो कि मान लो आपका कोई कपड़ा फट गया और आप बोल रहे हो कि मेरी जीन्स पर कोई कपड़ा काट कर लगा दो, तो इसे आप कैसे बोलोगे? सौ अ पैच ऑन माई जीन्स, सौ अ पैच ऑन माई जीन्स. अब आप सोच रहे होंगे ये सौ क्या है? इट्स ये वो सौ है जिसे हम सीयू सीयू बोलते हैं. इवन मेरी भी बहुत हैबिट है, मैं उसको सीयू साउंड प्रोनाउंस करती हूँ, लेकिन ये सौ होता है. हम गलत कर देते हैं क्योंकि वो हमारी टंग पे सेट हो जाता है, लेकिन ये सौ होता है. सौ, सो भी नहीं होता, सौ होता है, क्योंकि सो तो कंजंक्शन हो जाएगा ना फिर. तो आपको बोलना है सौ अ पैच ऑन माई जीन्स, सौ अ पैच ऑन माई जीन्स. से आफ्टर मी, सौ अ पैच ऑन माई जीन्स. यस, वेरी गुड. अब अगर आपको बोलना हो कि क्या तुम मेरी जीन्स पर एक कपड़ा काट कर लगा दोगे, यू आर आस्किंग समबडी, तो आप ऐसे बोलोगे, विल यू सौ अ पैच ऑन माई जीन्स, विल यू सौ अ पैच ऑन माई जीन्स. अब अगर आपको बोलना हो कि इस कपड़े पर या इस जीन्स पर बहुत सारे टाँके लगे हुए हैं, तो आप कहोगे, या फिर बहुत सारे या फिर कुछ टाँके लगे हुए हैं, आप ऐसे बोलते हैं ना, तो आप इसे ऐसे बोल सकते हो, देर आर अ फ्यू स्टिचेस ऑन दिस जीन्स, या फिर ऑन दिस क्लोथ. देर आर अ फ्यू स्टिचेस ऑन दिस जीन्स या फिर क्लोथ, जो भी आपका सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है आप वो लगा देंगे. अब नेक्स्ट, अगर आपको कहना हो कि मैं कपड़े सुखा रही हूँ, मैं बाहर कपड़े सुखा रही हूँ या तार पर कपड़े सुखा रही हूँ, तो उसे आप ऐसे बोलते हो, आई एम हैंगिंग द क्लोथ्स आउट, आई एम हैंगिंग द क्लोथ्स आउट. और अगर आप तार पर सुखा रहे हो, तो आप क्या बोलोगे? आई एम हैंगिंग द क्लोथ्स ऑन द क्लोथ लाइन, आई एम हैंगिंग द क्लोथ्स ऑन द क्लोथ लाइन. अब गाइस, कपड़े सुखाने के बाद हम कौन सा काम करते हैं? उनको उतारने का, ठीक है ना, जो कि बड़ा ही बोरिंग सा काम होता है, लेकिन करना तो पड़ता ही है. लेकिन इससे पहले मैं आपको एक सेंटेंस ये बताना चाहूँगी कि हम कई बार ऐसे बोलते हैं कि कपड़े सूख गए होंगे, है ना, कपड़े सूख गए होंगे या सूख चुके होंगे. तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे, क्लोथ्स वुड हैव ड्राइड अप, क्लोथ्स वुड हैव ड्राइड अप. इसके लिए हम मस्ट हैव भी यूज़ कर सकते हैं, क्लोथ्स मस्ट हैव ड्राइड अप, क्लोथ्स मस्ट हैव ड्राइड अप. दोनों यूज़ किए जाते हैं स्पोकन इंग्लिश में, दोनों करेक्ट होते हैं. अब अगर आपको बोलना हो कि मैं कपड़े उतार रही हूँ, तो आप बोलोगे आई एम टेकिंग द क्लोथ्स डाउन, या फिर आई एम टेकिंग डाउन द क्लोथ्स, मैं कपड़े उतार रही हूँ. और अगर आप किसी को बोल रहे हो कि कपड़े उतार कर ले आओ तार पे से, तो आप कैसे बोलोगे? ब्रिंग डाउन द क्लोथ्स फ्रॉम द क्लोथ्स लाइन. अब आप फ्रॉम द लाइन या फ्रॉम द क्लोथ्स लाइन लगाना चाहते हो, लगाओ, अदरवाइज इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड. तो आप क्या बोलोगे? Bring down the clothes from the clothesline. So guys, I hope you understood these sentences. And if you found this video helpful, then please don't forget to like, share and subscribe. Thank you so much for watching.